गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है सर। मैं बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहा हूँ आप लोग को यहाँ पे नासिक में। यस सर। प्लान बन सर गया मंडे से था? चालू होने वाले? नहीं मंडे से नहीं, ट्यूसडे को हम लोग का फाइनल होगा, तो ट्यूसडे के बाद ही कुछ हो पाएगा। यस सर। क्योंकि मंडे से ये लागू नहीं ना है, मतलब लॉकडाउन चल रहा है ना, हाँ परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेने के बाद ही कुछ हो पाएगा। यस सर। कॉल करो सबको, बताओ जल्दी ज्वाइन करने के लिए। यस सर। मानसी बेटा, मानसी हाँ क्या सर? आपको समझ में आया गेट लॉजिक गेट या नहीं? खुल के बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। नहीं समझा समझा। पक्का ना? हाँ सर। एक क्वेश्चन रहेगा, ये बात ध्यान में रखना है अपने को। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। सर हाँ बेटा, आपको एक क्वेश्चन शेयर किया था, वो डाउट था। कब मेरे को भेजे हैं? यस सर। मैंने देखा नहीं, देख लेता। अभी भेजा, जस्ट सॉल्व कर रहा था और अभी भेजा। मैं देखता हूँ। कैसी पढ़ाई चल रही है ऋषिकेश? अच्छी चल रही है सर। कोई दिक्कत? नो सर। कहाँ है तू अभी? यस सर। कहाँ पे है तू अभी? वर्धा में हूँ सर। चला गया घर? यस सर। क्या आज कुछ न्यूज आने वाला था, आया क्या? किसके बारे में सर? लॉकडाउन के बारे में सुना है कि लॉकडाउन कट रहा है या क्या हो रहा है कुछ? मंडे से? नहीं सर, कुछ भी नहीं। क्या बेटा, मंडे से होगा शायद? होगा कि हटेगा? होगा होगा 3 मई तक। 3 मई तक? हाँ ऐसा बोल रही है। 3 मई तक? श्योर नहीं है सर। बाप रे बाप, क्या होगा रे बाबू, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तब तो बर्बादी हो जाएगा आदमी। आनंद आनंद। यस सर। कौरवी को बोलो जल्दी आने के लिए, क्या कर रही है? हाँ सर एक मिनट। दिग्विजय उन सबको बोलो यार, कहाँ है सब तुम्हारा फ्रेंड सर? हाँ बोलो बेटा। उसका कॉल अनरीचेबल आता है, मतलब उसके सर वो कॉल नहीं उठा रहा सौरभ। और वो तुम्हारे यहाँ को क्या नाम है उसका? सर वो मोहित उधर गया है सर। और वो एक और है ना मोहित? यार मैं तो सबको खाली कॉल करके तुमको बुलाने में टाइम मेरा पास हो जाता है, क्या मैं पढ़ाऊंगा? कम से कम खुद से सीरियस होना जरूरी है, जबरदस्ती में कब तक पढ़ा सकता हूं?
एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है? यस सर। कितना बार पूछा है नेट में? तीन बार। तीन बार एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, फर्स्ट और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट एंड गेट, क्या होगा, क्या होगा? या क्वेश्चन पूछा है एन डबल ई टी 2017, 2006 एंड 2000, इतना टाइम्स पूछा है। बनेगा? बताएंगे आप लोग? यस सर। सर और कितना है? सर नॉर ऑप्शन सी। नॉर ऑप्शन सी था क्या? सी भी था? नहीं पता, मतलब अब भी आपने नॉर शायद सी लिखा था, नॉर आया है लेकिन मेरा नॉर सही है। देखो देखो पहले दोनों देखते हैं, ये कौन सा गेट है? और गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉर। अब तो दिखा हो, देखो यहां क्या होगा, ए और बी बार सही है। यहाँ सिंट ए और बी बार और ए और बी बार, यह क्या हो जाएगा, ए और बी बार और ए और बी बार का बार, सही लिख रहा हूं क्या? यस सर। यस सर। अब आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर विच एनीथिंग। ए प्लस बी बार
प्लस ए प्लस बी बार का होल बार, सही है बेटा? यस सर। तो ए और बी बार इसका फॉर्मूला क्या है, कुछ है क्या? देखिए तो ए प्लस बी का दिया है, ए बार बार एक मिनट, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको डबल बार आएगा इसमें। अच्छा कम, हाँ डबल बार सही लिख सकते हैं। याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए प्लस बी बार इक्वल टू ए बार एंड बी बार, याद है? यस सर। क्या फॉर्मूला बताया था, क्या यहां तक क्लियर है? यस ठीक है। अच्छा बार का बार कितना होता है, इसे के बार का बार ए प्लस बी, ए प्लस बी होगा सिर्फ ए प्लस बी, सिर्फ ए प्लस बी। तो सर ऊपर बार आएगा ना? नहीं बार तो और नहीं, बार नहीं, नहीं। हाँ नहीं 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 सॉरी, सही है क्या? हाँ यह हो जाएगा, ये सर वो बी भी आएगा ना सर, लास्ट में बी भी आएगा, बी वो ए बी प्लस बी ए प्लस ए बी बी, बी ए को ए बी लिख सकते हैं ऊपर 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 सर, कहाँ पे बेटा? लास्ट सेकंड स्टेप में, लास्ट सेकंड हाँ, स्टेप वो लास्ट में है ना, ए बी की जगह बी बी लास्ट में, लास्ट हाँ वाओ अच्छा ये वाला क्या, हाँ हाँ सही बी बी होगा ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए अब आगे बढ़े। यस और क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी तो ए बी प्लस ए बी मतलब ए प्लस बी, ए बी प्लस ए बी क्या होता है, ए बी ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि ए प्लस ए या प्लस या इक्वल टू दिस, बढ़ो आगे। यस सर। यह आ गया आपका आउटपुट इतना का, अब क्या बचा इसका आउटपुट? नॉट आई मीन नॉट गेट, बस जो बचा उसका नॉट। ये रहा हमारा मैथमेटिकल अप्रोच, बोलिए अलजेब्रा का मैथमेटिकल अप्रोच, लेकिन हमने या मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यह सिर्फ समझाने के बता रहा हूँ, आंसर कुछ किसी और तरीका से निकालेंगे। यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ, रफ करूँ? नो सर। सर इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे क्या? फर्दर सॉल्व कर सकते हैं लेकिन क्या जरूरत है, मैं आप आंसर पे आता हूँ, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस इतना को क्या लिख सकते हैं, बताइए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी ब्रैकेट, हाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते, करने को कर ही सकते, इसमें कहां दूर है, बट हम आते हैं आंसर पे, क्योंकि ऐसे लेंदी जाते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता।
बढ़ू आगे, अपने को रिसर्च नहीं करना, अपने को आंसर निकालना है बस। अब देखो आंसर निकालने का तरीका मैं बताऊं, कल जो किया था वही करना है। जीरो जीरो बोलो कितना आएगा, वन। सही लिख रहा हूं गलत है? सही है। सभी बच्चे मानसी चैताली कोई यस सर सही है यहां तक या नहीं? सही है। जीरो 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 और जीरो जीरो होता है उसका नॉट वन, उसका उल्टा वन। हाँ इधर इनपुट वन, इधर इनपुट वन, वन वन का और वन का नॉट जीरो। सही है? यस सही है। नॉट का जीरो वन क्या सही है क्या? आगे वन जीरो, वन जीरो वन जीरो जीरो सही है। ये बताइए यहाँ तक बोलिए। यस वन जीरो आगे वन बढ़ो आगे आगे वन जीरो और जीरो वन वन जीरो वन जीरो सही है। यस समझ में आ रहा नहीं यार? यस यहाँ पे देखिए जीरो वन क्या होगा, जीरो वन जीरो वन जीरो लास्ट वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो। किसका टेबल है? नॉर का। पहली बात की जीरो और जीरो ना और में होता है ना एंड में होता है ना नॉट में होता है। क्लियर? नॉर की किस में प्लस होता है? Yes. इसका मतलब तीन ऑप्शन तो कट गया, कौन कौन कटा? और कटा एंड कटा एंड नॉट कट गया। नॉट बचा क्या, एक ही बचा ना नैंड भी बचा ना, मारेंगे कितना ऑप्शन है, कौन कौन है? और नॉर नॉट ऑप्शन भी। ओके ओके टेंथ क्या होगा? Not. Not. क्या क्वेश्चन बहुत टफ था? नहीं नो सर। रफ करूं? यस टेबल रफ करूं? टेबल रफ करूं? यस सर। Yes, sir. NWT NEET 2016, 2012 and 2010. AV. जिसके घर में काम लगा हुआ इंटीरियर था बताइए, टू गेट आउटपुट वन फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज, यहाँ पे लिख रहा है गेट आउटपुट वन, आउटपुट कितना आना चाहिए? वन वन सर, तो ऑप्शन सी होगा।
सोचिए क्या होगा। नहीं ऑप्शन डी, सॉरी सॉरी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी? सभी बच्चे सहमत हैं? यस सर। क्या नाम, क्या हाल है सिंधे? ऋषिकेश, मोहित, दिग्विजय, देखो 0-1 0-1-1 सही है गलत है? सही है। बोलो यार सही है गलत है? सही है सही है सही है। और देखो यहाँ पे 0 ले रहे हैं, यहाँ पे 0 लेंगे तो यह 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए जो कि गलत है, यह गलत हुआ। बात समझ में आया? यस सर। आगे देते हैं, यह 1 दिया है और यह 0 दिया है, और यह कितना दिया है? 0 0 फिर से 0 आएगा, यह 1 आएगा और फिर यह फिर 0 आएगा, ये भी गलत है। ये बात समझ में आया क्यों गलत है? हाँ सर। अरे 11 सर, दिग्विजय, हाँ सर, सिंधे, यस सर समझा, हाँ सर समझा सर। ये देखो 1-1-0 लेते हैं इसको, 1-1-1 होगा और 1 यस सर एंड 0 कितना आएगा? 0 0 0 रेस्ट जो बचा हो तो सही होना चाहिए। आइए देखते हैं क्यों 1-0-1 1-1-1 ये 3 बार नीट में पूछा है। सर बोलिए, ए बार प्लस बी बार का होल बार मतलब ए डॉट बी ना? सर मैं फॉर्मूला लिखाया था बेटा, ए बार प्लस वो एब्सेंट था सर, ए बार आया था सर, ए बी बार ऐसा बताया था ना, सही है ना? सर और ए बार प्लस बी बार का होल बार का क्या होगा? ए डॉट बी ना? क्या बोले? खोल रहे ना, ठीक है बढ़वा आगे। नेक्स्ट नीट 2015 बोले कितना है पूछ रहा है? नैंड गेट ऑप्शन दिया है, नैंड गेट एंड नॉर सर ऑप्शन टू, वही अभी जो ऑप्शन आया ना, मतलब मैंने जो फॉर्मूला पूछा था ना वही आया, ए बार प्लस बी बार का होल बार। बढ़ो आगे।
यस सर। देखिए क्या होगा, टेबल से बना लो चाहे ऐसे बना लो, ए बार बी बार ये आ गया, आया हाँ या ना, क्या आएगा आएगा कितना आएगा, कौन सा गेट ए डॉट बी एंड बी क्या है एंड सही मुझे लग रहा है गेट क्लियर हो गया होगा या अभी भी दिक्कत है एंड गेट 2013 में दो क्वेश्चन पूछा है सर मैंने आपको डाउट भेजा ना वो क्लियर करना है मुझे कर दूंगा एक मिनट 2013 में दो क्वेश्चन पूछा है क्या डाउट है आपका सर मैंने जो भेजा ना उसमें 12th वाला क्वेश्चन बोलिए बोल सकते हैं क्या सर फिगर का है एक क्वेश्चन लिखे तो तब तक एक क्वेश्चन लिखकर मैं देख रहा हूँ नेट टू थाउजेंड 90 का क्वेश्चन है 90 का लिए तो क्या वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बट कौन सा ईयर सर 90 का क्वेश्चन है 90 का नहीं दे रहा जा रहा हूँ लिखो तो 2015 का क्वेश्चन लिखो द इनपुट सिग्नल The input signal given to a common emitter amplifier कहाँ भेजा यार हाँ क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हो बेटा 12th का मतलब उस पेज का स्टार्टिंग का सेकंड क्लियर फोटो भेजो क्लियर फोटो नहीं आया मेरे पास कट गया नहीं सर उतना ही है वो नंबर शायद नहीं दिख रहा होगा वो 12th वाला है मतलब स्टार्टिंग है ना उसका सेकंड है दिखा टू लिखा है ना उधर क्या बोल रहे थे The input signal given to a common emitter amplifier having a voltage gain of 150 each VI 2 cos 15t plus pi by 3 हो गया the corresponding output signal will be 75 cos 15t plus 2 pi by 3 2 cos 15t plus 5 pi by 6 next 300
राहुल भाई क्लास में थोड़ा सा सी हाँ क्लास में 9 बजे फ्री होंगे। हेलो हाँ मैं 9 बजे फ्री होता हूँ, भेज दो ना, मेल करो ना, एक तो भेजो ना पहले देख लो। अच्छा तो मैं क्लास को खत्म होने के बाद में कर, ठीक है ना। कितना हुआ बेटा 300 सर, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है वो 7.5 क्या 75 cos 15t plus 2π/3 300 cos 15t plus 4π/3 300 cos 15t plus π/3 क्या बोल रहे ऑप्शन सी क्यों वजह पाई का डिफरेंस होगा ना ये क्या सर, ऐसा कोई ऑप्शन आंसर कौन सा ऑप्शन सी होगा सर। अगर क्या मैं लॉक करूं फेज डिफरेंस देखेंगे तो क्या मैं लॉक करूं? यस सर हां कर लो। कोई हेल्प चाहिए? ए और सी में डाउट है मुझे। ए और सी 50-50 50 नहीं 75 सी सही है सी सही है ऐसे सही है पाई से पड़े। देखिए मैं पहले बताया था अल्फा एंड बीटा दो वर्ड याद आपको बताया था। यस सर। अल्फा वोल्टेज गेन मतलब कि आउटपुट बाय इनपुट, ए फॉर्मूला होता है, हाँ या ना? अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज बोल रहा था, ए भी ले लो वोल्टेज, तो वी ओ आउटपुट इक्वल टू जी आई इनटू ए भी, ए भी दिया हुआ है। इनपुट वोल्टेज कितना दिया बताइए क्वेश्चन में, 150 दिया है क्या? यस सर। ए भी कितना हो जाएगा, दिया हुआ है कितना बोलिए, 2 कितना है 2 cos बोलो 2 cos 15t minus pi by 3 15t plus pi by 3 plus प्लस प्लस पाई। क्यों पाई? क्यों पाई? क्योंकि कॉमन इमिटर है ना, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। कितना डिग्री कितना एंगल होता है? पाई 4π/3। आपको ये जरूरत ये नहीं भी याद रहा और यह टर्म याद रहा तो आपका आंसर आ जाता। नहीं यस सर समझ में आया? यस। चलिए हाँ अब इनका बच्चे का रो रहा है थोड़ा सा स्वानंद, इसको मना लूं फिर आगे बढ़ता हूँ। क्या क्या हुआ? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तेरा। ओके बढ़ो आगे। बाप रे बाप, चीप मत आ रे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 ये अभी पूछा हुआ है जम्मू कश्मीर सीटी में, क्वेश्चन बनाइए।
एक बार क्वेश्चन देखना सही है ना बेटा? यस सर। ऑप्शन बढ़ू आगे, इसको रफ करूं ऑप्शन को? यस सर। ए बार बी, यहां पे क्या आया? ए बार। और यहां पे क्या आया? ए बार। यहां पे क्या आएगा? ए बार एंड बी। यहां पे क्या आएगा? ए बार और ए बार एंड बी। ये ऑप्शन में था क्या ऐसा कुछ? हाँ सर, मेरा भी यही आया, मुझे लगा गलत हो गया कुछ, फॉर्मूला ही नहीं ऐसा, इसलिए। कल आपने इस पर लिख के दिया था क्या? कल आपने इस पर लिख के दिया था कुछ फॉर्मूला पर? ये फॉर्मूला इसलिए मुझे लगा गलत हो गया। पर exactly सेम नहीं है। तो क्वेश्चन गलत है? नहीं नहीं, ऐसा फॉर्मूला है आपने एक दिया हुआ, पर एग्जैक्टली सेम नहीं। ये तो ऑप्शन पूछ रहा है क्या होगा? ए बार प्लस ए बी। अच्छा, ये ऑप्शन ये अच्छा है ना? ए बार बी को क्या लिख सकते हैं? अच्छा है फॉर्मूला ए बार बी को? कुछ फॉर्मूला है? मेरे तरफ से ए बार आया क्या? तुम देखो आंसर क्या है, उसके बाद बताता हूँ कैसे। वही है, सही है। कैसे आया? एक फॉर्मूला बताया था मैं, ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, एक फॉर्मूला लिखाया था। यस सर। अब देखो यहाँ पे ये लिखाया था फॉर्मूला नहीं सर, ए बार बी नहीं, कल लिखाया था क्या? प्लस ए बी इक्वल टू ए ऐसा कुछ लिखाया था। हाँ है, अब देखो यहाँ पे एक जगह पर ए बार है और ए बार बी है, यहाँ पे एक जगह पर कितना ए बार है, कितना आएगा? तो बी किधर गया? यह रूल है, मेरे पैकेट में नहीं गया, यह बोलियो ना लिब्रा का रूल है। ओके, ये आपने कब लिख के दिया सर? कल जब आप नहीं थे। हाँ मतलब कल जी। ओके सर, सर ए बार सर